उसकी वैल्यूएशन को नीचे गिराया बात बहुत सारी हो रही है ओएनडीसी से कितना बड़ा इनको इंपैक्ट पड़ेगा लेकिन एट द सेम टाइम एक और आपके लिए जो कंपेटिटर uh, है स्विगी उसकी वैल्यूएशन कम हो रही है तो क्या zomato पर एक सेंटिमेंटल uh, इंपैक्ट इस न्यूज़ का आ जा सकता है देखिए सबसे पहले हमें समझना चाहिए zomato नॉन लिस्टेड है और स्विगी नॉन लिस्टेड है स्विगी लिस्टेड uh, है, है तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जब आप लिस्टेड मार्केट में रहते हैं तो आप ऑक्शन मार्केट में रहते हैं जिसके अंदर आपका प्राइस लाइफ और रोज चेंज होता है जब आप नॉन लिस्टेड मार्केट में आप रहते हैं तो नॉन लिस्टेड मार्केट के अंदर जो वैल्यूशन होती हैं वह वह इन्वेस्टर्स कम करते हैं या फिर आपको एक एक्सटर्नल वैल्यूअर आकर के उनकी मार्कडाउन कम करता है तो जोमेटो की जो पीक वैल्यूएशन थी वह पंद्रह बिलियन डॉलर थी वह नीचे में करीब करीब पाँच बिलियन डॉलर हो गई थी और अभी भी आप देखें तो मार्केट का बजट शायद साढ़े छः सात बिलियन डॉलर के आसपास ही होगा देखेंगे जी बार निकाल लेते हैं मेरे हिसाब से सवा बिलियन डॉलर के आसपास होने चाहिए देखेंगे पचपन हजार करोड़ हाँ तो वही है, मतलब लेस देन, देन बिलियन डॉलर है तो जोमैटो में जो मार्कडाउन है ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि वो लिस्टेड है स्विगी के अंदर जो मार्कडाउन हो रहा है बिकॉज ये नॉन लिस्टेड है अब हो रहा है तो ये पुरानी खबर है सेक्टर के लिए तो जोमैटो के अंदर इसका सीधा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा सीधा प्रभाव क्यों नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज जो मार्केट शेयर स्विगी और जोमैटो का है कई लोगों का मानना स्विगी अच्छी है कई लोगों का मानना जोमैटो अच्छी है जो आ, आप आप किस यार्डस्टिक को देखते हैं उसको देख करके आपको समझ में आएगा कि वेदर स्विगी इज बेटर और जोमेटो इज बेटर मगर मेरा मानना है कि दोनों को एक तराजू पर बराबर तोल सकते हैं तो उस तुलना से अगर आप देखें तो जोमैटो की वैल्यूशन गिर चुकी हैं स्विगी की गिर रही हैं ये नहीं बात नहीं है okay. जब नहीं बात नहीं है तो मार्केट में जोमैटो को लेकर के मार क्यों पड़ेगी मेरा पॉइंट नंबर वन ये है पॉइंट नंबर टू जोमैटो के अंदर हम देख रहे हैं कि एक पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतरीन रूप से डिफाइंड है mm. स्विगी में उस प्रकार की कॉमेंट्री मैं नहीं सुन रहा हूँ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेरिमेंटेशन वहां अच्छे से हो चुका है इनका जो ब्लिंकेट का एक्विजिशन है वह काफ़ी अच्छा चल रहा है स्विगी ने जो इंस्टामार्ट के एक्विजीशन करे थे उसके अंदर अभी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रही है और जोमैटो के अंदर एक प्रकार का एक मैं नया जोश देख रहा हूँ मैं इससे एक नया जोश देख रहा हूँ बिकॉज पूरी रिवायरिंग हो चुकी है दिपिंदर साहब हमारे साथ आके पुशअप लगाते हैं आप देखिए है। तो एक प्रकार की रिवायरिंग हो चुकी है तो जो सीधा इम्पैक्ट है वह मुझे लगता नहीं पड़ेगा दूसरा ओ में मैंने जो समझा जो महसूस किया जो लोगों से बात करी आई थिंक अभी देख हैं कि कैसा yeah. वो पूरा नेटवर्क और कैसा वो पूरा का पूरा सप्लाई चेन बनता है इट इज नॉट ईजी टू रन स्मॉल माइक्रो यू नो सप्लाई चेन फॉर एनी रेस्टोरेंट इंडी सी एक प्लेटफॉर्म है और आपको आप प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप बेच सकते हैं hmm. मगर अल्टीमेटली रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिलीवरी इज विद द रेस्टोरेंट तो क्या रेस्टोरेंट एक सप्लाई चेन में डिलीवरी चेन में इन्वेस्ट करेगा क्या वह डिलीवरी बॉयज रखेगा क्या उनको स्कूटर और मोफेट दिलाएगा क्या उनके एच आर इश्यूज में जाएगा क्या थर्टी मिनट्स में खाना दे देगा देखिए कैसे होता है Correct. इस पे इस समय लेट्स नॉट नॉट पार्ट लेट्स होगी जब आधार आया था हमें नहीं लगता था की एक इंडिया का एक कोर बन जाएगा जब Jio आया था हमें पता नहीं लगता था कि, आ, वो नो वो इंडिया हिंदुस्तान के अंदर डेटा रेवोल्यूशन ले आएगा तो छोटी चीजें अच्छा आईडिया एक अच्छी शुरुआत एक बड़ा चेंज हो सकती है मगर देखते हैं देखना पड़ेगा। ओनली टाइम वुड से दैट लेकिन प्राइमरी uh, मार्केट में